हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी के क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट वी स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन देयर विल बी मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फिर उनको हमें मैच करना है उसके आंसर से। सो वी आर नॉट द जिगजैग फॉर्मूला हियर, वी आर मैच द एट फ्रंटेड, उसके सामने ही हमें उसको आंसर को लिखना है। पहला इन्होंने दिया है हमें दीवानी। तो दीवानी क्या है? ये है एक राइट टू कलेक्ट लैंड रिवेन्यू, की जो ज़मीन का कर जो लेते थे वो एक इस तरह का कर होता है, टैक्सेस होते हैं। टाइगर ऑफ मैसूर कौन है इसमें? टीपू सुल्तान। फौजदारी अदालत क्या है? ये एक क्रिमिनल कोर्ट है। दैन रामचन्नम्मा लैंड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन किट्टूर, किट्टूर के अंदर जो एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट आंदोलन चला था उसका नाम है। सिपाही क्या है? सिपॉय। फिर है आपके फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आपको दिए हुए हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है द ब्रिटिश कॉन्सिक्वेस्ट ऑफ द बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ प्लासी। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर। डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से। मराठा किंगडम वर लोकेटेड इन मेनली इन द पार्ट ऑफ इंडिया वेस्टर्न इंडिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें स्टेट द वेदर स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द फर्स्ट वन इज द मुगल एम्पायर बिकम स्ट्रोंगर। तो फर्स्ट है इसमें द मुगल एम्पायर बिकम स्ट्रोंगर इन द 18th सेंचुरी, इट इज़ फॉल्स। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेड विद इंडिया, इट्स ऑल्सो फॉल्स। महाराजा रंजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब, इट्स ट्रू। द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरेटरीज दे कन्क्वेर्ड, इट्स फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट अट्रैक्ट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया, की भारत में जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी, व्यापारिक कंपनियाँ थी, उनको क्या चीज़ अट्रैक्ट करती थी? तो एक तो यहाँ पे पाए जाने वाले जो सिल्क और कॉटन के जो क्वालिटीज़ थी वो उनको अट्रैक्ट करती थी, और दूसरे यहाँ पे पाए जाने वाले जो मसाले थे उनसे भी वो लोग काफ़ी अट्रैक्ट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, व्हाट वर द एरियाज टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच में जो मतभेद हुआ उसके क्या कारण थे? द बंगाल नवाब असर्टेड देयर पावर्स एंड ऑटोनॉमी एंड रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन। सेकंड, उन्होंने इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न था, दे डिमांड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। फिर हम कहें दे डिनाइड द कंपनी एनी राइट टू मिंट कॉइंस, दे स्टॉप द कंपनी टू एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशंस। कि फिर फिफ्थ इसमें है, अक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिकेट दे क्लेम दैट द कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटीज ऑफ नवाब। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स। सो दिस वॉज द कॉन्फ्लिक्ट एरिया बिटवीन द बंगाल नवाब एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी हम कहें कि पहले तो जो बंगाल के नवाब्स थे उन्होंने जो रिफ्यूज्ड कर दिया जो ग्रांट्स कंपनी जो कंसेशन उनको दे रही थी उनको लेने से, फिर उन्होंने जो कंपनी के जो डिमांड्स थे ट्रिब्यूट्स थे उसके लिए उन्होंने मना कर दिया कि कंपनी के जो राइट्स हैं व्यापार करने के वो उन्होंने मना किया उसके लिए। फिर उन्होंने मिंट कॉइन का जो राइट उनके पास था कंपनी के लिए उसको लिए मना कर दिया। फिर उन्होंने ये कहा कि जो कंपनी है वो अपने फोर्टिफिकेशंस जो हैं उनको एक्सटेंड नहीं कर सकती है। फिर ये कहें कि गवर्नमेंट को जो है बंगाल गवर्नमेंट को ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू देना पड़ रहा था अंडरमाइनिंग द अथॉरिटीज़ ऑफ द नवाब। इट वाज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, इसमें इन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया, और जो है डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स इन लोगों ने लिखे। तो इस तरह की जो बातें इन लोगों के बीच में हुई ये जो कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा रीज़न रहा बंगाल नवाब्स और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा इसमें फिर, द मुगल एम्परर इन 1765 अपॉइंटेड द कंपनीज पर्सेंट्स द दीवान ऑफ प्रोविनेंस ऑफ बंगाल। कि मुगल एम्परर जो अपॉइंट हुए थे कंपनी के द्वारा इन 1765 में, तो उन्होंने जो दीवान थे वेस्ट बंगाल के जो है उनका एक परसेंटेज जो है वो उन्होंने फिक्स कर दिया। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू एक्सप्लोइट द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस। यानी इस चीज़ से जो है कि कंपनी को जो पहले जो प्रॉब्लम्स आ रही थी
वो प्रॉब्लम्स अब सॉर्ट आउट हो गई। ऑल दो इट्स ट्रेड हैड एक्सपेंडेड, और इससे इनका व्यापार जो है वो क्या हो गया, एक्सपेंडेड हो गया। इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया एंड गोल्ड एंड सिल्वर विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। यहाँ से सामान खरीदते और इम्पोर्ट करते कहाँ पे, ब्रिटेन में। द ओवरफ्लो ऑफ गोल्ड एंड फ्रॉम ब्रिटिश ब्रिटेन स्टॉप्ड आफ्टर असम्पशन ऑफ दीवानी। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। दीज रेवेन्यू दे यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क, और इन्हीं रेवेन्यूज से ये लोग क्या करते थे, कॉटन और सिल्क जो है यहाँ से इंडियन टेक्सटाइल से परचेज करते थे। एंड मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग्स द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिस एट कैलकटा। और इससे जो है इन्होंने जो ट्रूप्स थे एंड मीट द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, फिर इन्होंने जो है फोर्ट वहाँ पे एंड ऑफिस एट द कैलकटा दे हैव टू बी एस्टैब्लिश। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस क्या है उसे हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अंडर द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। इसके अंदर क्या था कि जो इंडिया के रूलर थे, इंडियन रूलर्स थे, उनको परमिशन नहीं थी कि वो अपनी खुद की सैन्य शक्ति तैयार करें। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। उनका जो प्रोटेक्शन है, उनका संरक्षण जो है वो कंपनी के द्वारा किया जाता था, बट हैड टू पे फॉर सब्सिडरी फोर्सेस। लेकिन उसके लिए उन्हें से जो है सब्सिडरी फोर्सेस पे करना पड़ता था। दैट द कंपनी वो सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस फॉर दिस प्रोटेक्शन। और इसके लिए कंपनी जो है वो उनसे प्रोटेक्शन जो दे रही थी उसके बदले में वो ले रही थी। इफ़ द इंडियन रूलर फेल्ड टू मेक द पेमेंट्स, और अगर इंडियन जो शासक थे, जो भारतीय शासक थे, अगर वो ये पेमेंट देने में फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, द पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पलंडी। तो उनका जो क्षेत्रीय भाग है वो ब्रिटिशर्स उनसे ले लेते थे एज अ पेलेंटी, यानी पनिशमेंट के रूप में उनसे वो ले लिया जाता था। द स्टेट विच हैड टू लूज देयर टेरिटरीज ऑन दिस ग्राउंड वर अवध एंड हैदराबाद। और जो टेरिटरीज थे जिन्होंने अपना लैंड इस तरह से खोए थे, उनमें हम कहें अवध और हैदराबाद जो हैं दो मुख्य थे जिन्होंने अपने टेरिटरीज को जो है पलेंटी के रूप में ब्रिटिशर्स के हाथों खो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आते हैं, इन व्हाट वे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स। कि भारतीय शासकों से जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है किस किस तरह से अलग था। तो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट द इंडियन रूलर्स इन द फॉलोइंग वेज। जो वेज हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं उन वेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके एडमिनिस्ट्रेशन और जो इंडियन रूलर थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में ये डिफरेंसेस थे। तो फर्स्ट अगर हम डिस्कस करें, तो कंपनी डिवाइडेड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स फॉर प्रेजिडेंसी। इन्होंने क्या किया कि अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे उनको डिवाइड कर दिया था प्रेजिडेंसीज के अंदर। देयर वर थ्री प्रेजिडेंसी, तीन प्रेजिडेंसीज के अंदर इन्होंने डिवाइड किया था। फर्स्ट था बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, मैंने तीन क्षेत्रों में डिवाइड किया हुआ था। इन इंडिया डिस्ट्रिक्ट्स वर द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, और भारत के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उनको जो है मेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाया था। ईच प्रेजिडेंसी वॉज रूल्ड बाय द गवर्नर, और हर जो प्रेजिडेंसी थी उसको गवर्नर के अंडर दे दिया गया। डिस्ट्रिक्ट्स वर रूल्ड बाय द कलेक्टर्स, और जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, जिले थे, उनको कंट्रोल करने के लिए कलेक्टर्स थे। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वॉज द गवर्नर जनरल, और इन सब का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था, जो सुप्रीम हेड होता था, वो गवर्नर होते थे, जनरल गवर्नर। बट इन इंडिया, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द किंग। लेकिन भारतीय जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसके अंदर जो ओवरऑल जो सुपर हेड होता था या जो सुप्रीम पावर होती थी वो सिर्फ राजा के पास होती थी। द मेन जॉब ऑफ द गवर्नर जनरल वॉज टू इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, और जो गवर्नर जनरल होता था उसका मेन जो जॉब होता था, जो मेन काम होता था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करना होता था, कि उनमें चेंजेस करना होता था। वाइल द मेन जॉब ऑफ द कलेक्टर वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू, और जो कलेक्टर होता था वो अपने सभी डिस्ट्रिक्ट से क्या करता था, रेवेन्यूज जो टैक्सेस हैं
और जो लगान है उन्हें कलेक्ट करके देता था एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट, और अपने क्षेत्र के अंदर जो कानून है और जो व्यवस्थाएं हैं उनको वो मेंटेन करके रखता था। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट ऑकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ कंपनीज आर्मी। कंपनी जो था, हमें उन चेंजेस को डिस्क्राइब करना है जो कि कंपोजिशन थे आर्मीज कंपनीज आर्मी के अंदर। तो सेवरल चेंजेस ऑकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ कंपनीज आर्मी। तो फर्स्ट जो चेंजेस इसके अंदर हमने देखे वो है, द कंपनी बिगन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी। आर्मी का खुद से जो है कंपनी ने रिक्रूटमेंट करना शुरू किया। रिक्रूट करने का मतलब होता है कि नए भर्तियां शुरू करना, विच केम टू नो एज द सिपॉय आर्मी, और उनको सिपॉय आर्मी के थ्रू उनको नाम दिया गया। एज द वेलफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम 1820s, और 1820 में जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज हुई, द क्लेवरी रिक्रूटमेंट ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइन। तो उससे क्या हुआ कि जो क्लेवरी जो रिक्रूटमेंट थे कंपनी के, वो डिक्लाइन होने लगे, वो कम होने लगे। फिर अगर हम बात करें, द सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आर्मी हैड टू कीप पेस विद द चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट नाउ बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। कि इस समय जो है मिलिट्री का जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स जो थी और जो उनकी इन्फेंट्री जो रेजिमेंट थी वो बहुत ज़्यादा उसको उन्होंने इम्पॉर्टेंट बना दिया। डी अगर हम डिस्कस करें, इन द अर्ली 19th century द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। तो उन्होंने क्या किया कि जो मिलिट्री के जो इनके जितने भी सिपाही थे उनके यूनिफॉर्म जो है वो कर दी, यूनिफॉर्मिटी उनके अंदर डेवलप की। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंग सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, और जितने भी सोल्जर्स थे सैनिक थे उनको यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग देना, ड्रिल करना, डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फॉर मोर देन बिफोर। यानी अब से पहले जो सोल्जर्स थे उनके लाइफ में इस तरह का डिसिप्लिन, इस तरह की यूनिफॉर्मिटी, इस तरह की ट्रेनिंग, ड्रिल्स जो हैं वो नहीं थी, अब वो है जो उनके अंदर वो चीज़ें डेवलप कर दी गई। लास्ट 10th क्वेश्चन अगर हम देखें, आफ्टर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट बंगाल कलकत्ता ग्रू फ्रॉम द स्मॉल विलेज टू अ बिग सिटी। यानी यहाँ पे जैसे ही ब्रिटिशर्स आए कलकत्ता में, तो ये छोटे गांव से बड़े शहर में कन्वर्ट हुआ। फाइंड आउट द कल्चर आर्किटेक्चर एंड द लाइफ ऑफ यूरोपियन एंड इंडियन ऑफ द सिटी ड्यूरिंग द कर्नल पीरियड। तो इसके अंदर जो है आपको ये क्वेश्चन खुद से करने हैं 10th और 11th, क्योंकि बोथ आर हैज़ टू बी डन बाय द स्टूडेंट्स, बिकॉज यू हैव टू बी टेक द बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड यू हैव टू बी कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, कलेक्ट द पिक्चर्स, स्टोरीज, पोएम्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी ऑफ द फॉलोइंग, द रानी ऑफ झांसी और महादी सिंधिया है, हैदर अली है, फिर महाराजा रंजीत सिंह है, लॉर्ड डलहौजी है, और एनी अदर कॉन्टेम्प्रेरी रूलर्स ऑफ योर चॉइस। यानी इनमें से किसी एक रूलर के ऊपर आपको जो है पोएम और स्टोरीज लिखनी है। जैसे कि आपने रानी झांसी ले लिया, तो रानी झांसी जो है इनके बारे में आपके हिंदी के बुक में पोएम्स भी हैं, उनके पिक्चर्स भी हैं, सो यू हैव टू बी कलेक्ट एंड राइट अबाउट दैम। सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव टू बी understand the explanation as well as the question answer of the chapter from the trade to territory. So thank you for watching my